दादी का ज्ञान चला यहाँ, अभी मुझ पे आ गए। मैं 2 मिनट वॉशरूम क्या गया, ये एक ये दादी एक वो ये सामने बैठी है का, ये पता नहीं क्या कर रहा था इसमें दादी। बाहर दादी आप तो इसके कान में क्या भरना चाह रहे हो आप कि मैं किसी और से बात कर रहा था। दादी ये चीज तो मैंने सोची नहीं थी, आपने ठीक बोला, अब सोचना पड़ेगा। चक्कर गुड मॉर्निंग यार, कल रात को हमको पहुंचते पहुंचते काफी टाइम भी हो गया था और एक ही दिन में टू एंड फ्रो किया ना तो थकान भी हो गई थी, इसलिए हमने ज्यादा शूट नहीं किया। बट अभी फुल एनर्जी के साथ मुझे ऐसा हो रहा था कि ब्लॉग करते हैं, तो मैं तो एकदम फ्रेश हूँ और मैंने सोके उठ के ये देखा कि दादी का क्या हाल है, तो दादी तो मुझसे भी ज्यादा एक्टिव थे और इतने ज्यादा खुश थे कि अरे यहाँ तो सुबह सुबह धूप आ गई है। तो मैंने सबसे पहले दादी के लिए धूप में गद्दा लगाया, अभी मम्मी और दादी धूप में बैठे हैं खूब गप्पे मार रहे थे, तो दादी आए अपने रूम पे और कुछ सामान निकाल के ले गए, कहते कि मैंने गाँव से कुछ चीजें लाई हूँ वो देनी है मुझे इनको, तो मतलब जैसे हमारे गाँव में बनता है ऐसा नमकीन जैसा होता है वो, तो वो लेके आए थे और गच्चक है जो सर्दियों की चीजें होती है वैसी वैसी। तो मेरे को एकदम से याद आया कि हम भी तो दादी के लिए कुछ कनाडा से लेके आए थे तो वो देते हैं। एक्चुअली दादी ने मंगाई तो हमसे शॉल थी, बट यार कनाडा में शॉल तो नहीं मिलती, ऐसे फैंसी फैंसी से कपड़े मिलते थे, तो मुझे कुछ जो ऐसा लगा कि दादी के शायद काम का होगा मैं वो लेके आई हूँ। एक तो मैं छोटू सा पर्स लेके आई हूँ क्योंकि ना दादी जो आपने देखा ही होगा हाफ वेस्ट कोट पहनते हैं जिसको वास्केट कहते हैं, तो उसके अंदर डालने के लिए दादी का छोटा सा पर्स कह लो या बटुआ चाहिए होता था, तो वो लेके आई हूँ मैं, मुझे बहुत क्यूट लगा था ये। और एक मैं ये मतलब आई डोंट नो दादी को पसंद भी आएगा या नहीं, ये लेके आई थी क्योंकि और तो ऐसा कुछ मिलना नहीं था यार। ऑफ कोर्स कनाडा में अब हमारी ट्रेडिशनल ड्रेसेस कहाँ मिलेगी, तो ये वेस्ट कोट जैसा ही है काइंड ऑफ, और इसमें पॉकेट्स भी है और गर्म भी है, तो मैंने सोचा था दादी को ये ले जाऊंगी, और थोड़ा लंबा है ना तो नीचे तक गर्म भी रहेंगे दादी। और मैं साथ में मैंने एक्चुअली रोहिणी दीदी ने साथ में चप्पल्स भी दी थी, वो मैंने अलग से रखी है, तो अभी ये सारी चीजें ले जाती हूँ और दादी को देती हूँ। हेलो जरा ये क्या है दादी, ये मेरी चीज है, ये क्या है तेरी? देखो कनाडा की दादियां पहनती है ऐसे, तो हम अपनी दादी को लाएं। हमारी दादी कनाडा की दादी बन जाएगी अब, स्टाइलिश। ये क्या देखो जरा, पर्स बटुआ, इसमें आपने पैसे रखे रखने के रखे हुए रख के रख आपने पैसे रखने और रात रात को मैंने चोरी करने हैं ना, मैंने सोचा नैना बटुआ खाली नहीं देते, डॉलर रखा है रखा है। दादी आप बताओगे मेरे को कम, मेरे को ना एक चीज कैसे मेरे लिए पर्स लाए ना, चलो मैं आपको दिखाऊंगी इनके लिए कौन से पर्स लाया, आपने बताना कौन सा वाला पहन के आप इसको पहले। हाँ ये बताओ, नहीं यार मैंने कितने पहने बेटा, पहले कितने लाए तो अरे वो छोड़ो नहीं चुप नहीं होगी दादी, बुढ़े नहीं बढ़ने गरम गरम चप्पल दादी को। दादी ये तो हर कुछ ही लग रहा है, आप लग रहे हो पूरी फॉरेनर। इसमें डालना बटुआ, बटुआ डालना एक साइड आपको कैसा लगा? मेरे को तो सब कुछ ही अच्छा लगता है, नहीं लग रहा खुल जाएगा, एक कैसा है ना साइडों से कमीज की तरह खुल जाएगा और बंद भी हो जाएगा, बंद नीचे तक हो जाता है। आया मजा? मजा तो आया, कुछ तो कहना दादी ने, कुछ तो है नहीं, कुछ ऐसा कुछ ऐसा नहीं बोले ये फैशन इसके, देखो भाई अब दादी जब फोन किया फैशन कर रही है दादी को, नहीं बताओ कौन सी बढ़िया है। बढ़िया है दोनों बढ़िया, हाँ ये थोड़ा बड़ा ये छोटा, ये छोटा अच्छा, क्यों ये क्यों अच्छा, क्यों अच्छा है ना, आपने तो रखना दादी है तो ठीक है। दादी ने शिवानी का गिफ्ट ले लिया, दादी बोल ही रही है कि ना ना तो एक ही है तो भाई दो, नहीं नहीं मैं सच में रखने में मैंने ये वाला अभी सेलेक्ट किया हुआ, मैं इसमें कुछ बहुत। आपके जाने का समय आ चुका है, बाबुल की दुआएं लेती जब आप आया करोगे, दिल से याद करना है ना। दादी नहीं 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 दादी, हमेशा ऐसा ही हाथ मिलाते नहीं, सिद्धू के लाल मैंने अपने हाथ से बनाया है आपको, तब आपने देखा ना कि पहली रसोई का शिवंती खुद ही शर्मा आ गए, मैंने क्या बोल दिया। दादी गिरी थी इसकी बात, इसकी गोलियां ये कम, इसका पति गोलियां लेके आ रहा है। दादी मैं मजाक उड़ाते रहते हैं कि पागल है थोड़ी सी, है ना।
पीछे सीट पे रख लो, मैं डिक्की खोल दूंगा, तू आगे बैठेगी। मैं गया था सामान लेने और फोन भी मेरा सेट हो चुका है, जो कि मैं नैना पहले ही मुझसे बुक कर चुकी है, जो पुराना फोन था मेरा, नैना को चाहिए मुझसे वो। अच्छा, तो घर पे आते ही मुझे सरप्राइज क्या मिला, मम्मी ने बनाई है नींबू की चटनी, मुझे बहुत पसंद है खट्टी मीठी। तू क्या कर रही है? तूने जो मम्मी की चटनी खराब करने की कोशिश की। अरे कुछ नहीं होता, ये पकनी है अभी। तू डर गई, मम्मी देख रही है क्या किया मेरी बहू। अरे दही का गया, इससे कुछ नहीं होगा मम्मी। मम्मी पकाओगे अभी आप इसे? हाँ, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये पता नहीं एकदम से पिचक गई। हो गया, हो गया। तूने चाल चली है मम्मी की चटनी खराब करने की, मुझे पता। इतना सारा लेके आयो ना तुम, इतनी ज्यादा क्वांटिटी, ये खराब हो जाएगा। जब तब अंगूर ही देख लो कितने सारे लाए हो तुम। अंगूर मैं नहीं लाया अंगूर, ओए ये गलती से डले होंगे इतने अंगूर, ये क्यों लाऊंगा मैं यार इतने, ये तो 10 ग्राम अंगूर कौन लेता है नैना। मुझे लगा क्या पता टेस्ट करते करते थोड़े जेब में और मुंह में डाल दिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी टाइमिंग इतनी गलत हो सकती है। अभी हम डिनर करके फ्री हुए हैं क्या और बस रजत को मैं ये बोल रही हूँ मेरे पीछे नहीं आना, मैं घर से जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। मम्मी ने डिलीवरी का, सुनो मम्मी आपने बस ये ध्यान रखना रजत ना मेरे पीछे है ना बेलकनी से बाहर देखे मैं कहाँ गई, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। यार मेरे साथ ना थोड़ी कॉमेडी होगी, एक्चुअली मैं रजत के लिए कुछ सरप्राइज रखा था अपनी एनिवर्सरी के लिए, और मुझे ये था कि जो मैंने रजत की ऑर्डर किया है वो कुछ दिनों के बाद आएगा और मैं अच्छे से छुपा लूंगी, मतलब डे टाइम में आएगा। बट हुआ ऐसा कि हम डिनर कर रहे थे और उसी टाइम पर मुझे कॉल आता है कि मैम हम आपका सामान लेके आ गए, और मुझे ऐसा हुआ यार ये अभी क्यों आए। सो ऐसे मैंने भैया को कहा था कि भैया शाम तक पहुंचाना, बट इनको लेट हो गया, अभी 9 बज रहे थे। तो रजत को डाउट हो गया कि 9 बजे इसको किसका कॉल आ रहा है और ये जा भी रही है मिलने। तो मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करी कि इसको बिल्कुल आइडिया ना हो, क्योंकि यार हर बार ऐसा होता है जब भी कुछ भी होगा, मेरा बर्थडे है या कुछ भी, रजत हमेशा उसको स्पेशल बनाने के लिए कोशिश करता ही रहता है। तो इस बार मैंने सोचा था कि मैं रजत को स्पेशल फील करवाऊंगी। यार मैं घर के पास थोड़े नीचे तक आई थी अपना सामान लेने के लिए और पीछे पीछे से मम्मी आ गया। एक्चुअली मैंने किसी को भी नहीं बताया घर पे कि क्या चीज़ है। आप क्यों आए? अरे मैं यही थी, चलो चलो ऊपर चलते हैं। मम्मी मुझे लेने आए कि कहाँ चली गई रात को, आप मुझसे पूछ रहे क्या है मुझे बता दो। नहीं उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अभी नहीं बताऊंगी। अरे चलो थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, मैंने ना रजत के लिए कुछ एनिवर्सरी गिफ्ट लिया है। हाँ तो वो मेरे पास अभी डिलीवर हुआ, पर मैं रजत से छुपा के रखना चाहती हूँ कि मैंने कुछ लिया है या कुछ भी। ओ है बस। हाँ से मुझे उम्मीद है आप सीक्रेट रख लोगे, इसलिए मैंने बताया आपको। पर क्या चीज़ है वो मैं आपको तभी बताऊंगी। ठीक अभी नैना किसी कॉल आई, हम दोनों यहाँ बैठ के डिनर कर रहे थे, तो कॉल पे मतलब वो खाना खाते हुए थोड़ी हेसिटेट सी हो रही थी कॉल पे बात करने के लिए, और बस ऐसे ही थोड़ा मतलब कट शॉर्ट जवाब दे रही थी कि हाँ जी आ जाओ आप, मैं घर पे ही हूँ। तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने पूछा किसी कॉल है, तो उसने बोला कोई कि भाई खाना खाने दो, बाद में बताती हूँ, बाद में बताती हूँ। मुझे थोड़ा अजीब लगा, फिर वो खाना खाने के बाद एकदम कहीं जा रही थी, तो मैं पीछे पीछे जाने लगा, बट उसने मना किया है कि तुम मेरे पीछे नहीं आओगे, ना ही तुम बैल्कनी में आओगे। इतना मुझे पता लग गया कुछ आया है, कोई पार्सल लेके आया है, बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा क्या है, ना ही मम्मी पापा को पता है। तो अभी मम्मी भी गए उसके पीछे पीछे नैना के, क्योंकि काफी देर होगी वो आई नहीं है। आई एम नॉट अलाउड टू गो आउट, मैं सोच रहा हूँ कि जब उसने बोल रखा है कि बाहर मत आना तो मैं नहीं आता हूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है, अभी तो एनिवर्सरी शुरू भी नहीं हुई और अभी से ऐसे सरप्राइज। इधर दादी को लग रहा है कि ऐसे कैसे वो अकेली चली गई, तू जा देख। नहीं उसने मना किया था नीचे नहीं आना, कुछ नहीं है दादी, छुपाने वाली चीजें भी क्या है। उसको डांटना आप, मुझे भी नहीं पसंद है छुपाना ना, नहीं परेशान नहीं कर रही है उसको, ये कि जो जो भी चीज है, नहीं नहीं यहीं गई है ये पार्किंग में, ना गई तो यहीं आओगी ना। तो थोड़ा ये कुछ नहीं होता बेटा इस तरह से। क्या है? कुछ भी नहीं है। मुझे लगा चाव चाव तो नहीं लिया, क्योंकि कुछ दिनों से चाव 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 कह रही थी।
दादी पता कितना गुस्सा कर रहे थे कि अकेले कैसे चले गई वो, ऐसे थोड़ी अच्छा होता थी। तो थी दादी नीचे दादी को गुस्सा आया है। लाल हो गई दादी है। इतना क्या है दादी मेरे को कई बार बोल दिया कि कहाँ गई वो, देख तो सही मैं कब उसने मना किया है। नहीं मेरे सासु माता जी आ गए पीछे पीछे। माता भी लेट आई ना। दादी की जोड़ पाए दो मिनट। अरे यही थी सैर करने गई थी खाना खाने। क्या है नैना कहाँ है? अरे कुछ नहीं है ऐसा है ना बेटा, बेवकूफ मैं कोशिश तो नहीं करनी। अलग से क्या खाया उतना। मेरा फ्रेंड था उससे मिलने गई थी बस। जैसे रजत टॉयलेट में फोन पे बात करते रहता मेरा भी दोस्त। ओपन मैरिज खेचने की लाइक तो नौबत ही नहीं आएगी, मैं खुद ही चली जाऊंगी। दादी को परेशान मत कर यार, बता क्या है नैना? अरे कुछ नहीं है, तो ऐसी गई थी। अरे ऐसे क्यों गई भाई, क्या चुप रहो, इसको चुप करा दे तो आप लगे वैसे क्यों। क्या दादी? दादी कह रही है सास बहू दोनों बदमाश है। हमने अपनी साठगांठ कर ली है। क्यों हंसे जा रही है, क्या है? मुझे हंसी आती है तुम्हारी बीवी हंसमुख कर, मैं क्या करूँ इसमें? कुछ तो है दादी, कुछ तो छुपाया जा रहा है। तलाशी करो इसकी, क्या है बता? कुछ नहीं है यार, जैसी गई थी वैसी आई, कुछ भी नहीं है। कुछ तो है क्या, तुम क्या सोच रहे हो? मुझे नहीं पता, पर कुछ तो आया है घर पे, मतलब घर पे नहीं आया है, कहाँ रखा है वो नहीं पता। नीचे जाऊँ देख के आऊँ? जहाँ मर्जी जाना है, जो मर्जी करना है करो, मैंने तुम्हें फ्री छोड़ा है। पापा कह रहे पापा काफी देर से बोल रहे कि जूते के बॉक्स बाहर कुछ ना शू रैक में कुछ रखा है शायद, आवाज आ रही है। अच्छा पापा हंस भी रहे, इन्होंने देखा है शायद। क्या है बताओ, दादी कह रहे चला जा बाहर। इसमें तो कुछ नहीं है, सब पुराना ही है। यहाँ तो कुछ नहीं है, बता मुझे क्या है नैना? तो कुछ नहीं है यार, तो दाल में काला है तो कुछ। दादी है पर बता नहीं रहे। दाल ही काली है, दाल काली नहीं होती यार, ऐसे नहीं नैना। मेरी बात सुनो। अब देख मेरे साथ साथ एक और बंदा सो नहीं पाएगा आज रात, पूरी रात सोचता रहेगा। नहीं 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 सुनो मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारे पूरी फ्रीडम दी कि तुम जाओ पार्किंग में जाना जहाँ मर्जी। मैंने देख लिया नीचे तो कुछ नहीं है, मेरी चेकिंग ले लो कुछ। पर तुम नीचे ही गई थी, उसका तो मैं क्या करूँ? तुम्हारे शू रैक चेक करना है, तुमको मेरी जेबें चेक करनी है। नीचे क्यों गई थी भाई, नीचे गई क्यों? तू दौड़ के गई क्यों? खाना खाने के बाद खाना हासिल करना था। बोला कि भाई मेरे पीछे नहीं आना। हाँ क्योंकि मेरा पीछा करते रहते हैं हर जगह, तो किस कर रहे? दादी को पूरा पूरा तेरे पे शक है। फोन ले ले से जहाँ पे तुम्हारा दिमाग नहीं पहुँचता। फोन में चेक करूँ मैं इसके? क्या है छू के बताना। सही बात है, इसके फोन में किसकी कॉल आई है वो देखता हूँ। रजत बता, कसम है तुम्हें अगर मेरा फोन छुआ भी तुमने। दादी को यार तूने किया परेशान। दादी दादी इसकी मेरी दादी दादी बदमाश हो रही है दादी ना मम्मी मम्मी को यूं देख रही है, मैं क्यों बता दे मम्मी। शक्लों से पता लगता है कि भाई कहाँ क्या है, कहाँ छुपा है, क्या छुपा। मम्मी मतलब मुझे कुछ नहीं पता। ऐसे मत देखो मुझे। ठाणेदार की तरह क्लास ले रहे हैं आप, ये बताओ। तो क्या करना तुम्हारा? बहुत तड़को नींद को वजह से ज्यादा सबसे छोटा बच्चा यही है। एक आगे भागे दूसरे पीछे और क्या।
यार अभी ना हम बहुत देर से बाहर बैठे थे, सब गप्पे मार रहे थे और जैसे हम सोने आए अपने रूम पे तो मेरा हस्बैंड मुझे ब्लैकमेल करने लगा ये बोल के कि क्या हो गया, क्यों टेंशन ले रही है, क्या गिफ्ट लिया मुझे बता दे बता दे बता दे। फिर मैं अब ये बताना चाहती हूँ और पूछना भी चाहती हूँ सब लोगों का, ठीक है? अगर मैंने कोई पेट लिया हो, अगर मैंने चाओ चाओ लिया हो तो तुम एक्टिंग मार रही है, ये तो कहाँ रखा है? जहाँ मर्जी रखा, अगर लिया हो तो तुमको खुशी है इस बात की या नहीं? ऑफ कोर्स का है। कितनी अब तो रुकना ही पड़ेगा तुम्हें, कुछ दिन तो रुकना पड़ेगा, कुछ दिनों का सफर जरूरी है। बड़ी खराब हो तुमने मतलब मेरा ना मेरी नींद हराम, पेशेंस मैं सो नहीं पाऊंगा, तीन दिन बाद मैं डार्क सर्कल्स में होऊंगा जब नहीं सोचो तुमने खूब सपने ले लिए, पता नहीं ये होगा वो होगा और खुदा बाहर निकली चुहिया ऐसा ना हो जाए तो ऐसा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे को सपने में पता नहीं क्या क्या दिख गया कि तुमने सरप्राइज में दिया है जो नीचे जाओ, पता है रात से ठंड गया होगा, जाओ जाओ उसको ठंड लग गई है नीचे पार्किंग में। झूठ मत बोल। तो गाइस अब हम तो नहीं, मैं आपको कितने दिन रह गए अभी, दो दिन बाद बताऊंगी कि क्या था वो। वैसे तो कल भी नहीं ना, कल भी हमारी मेहंदी थी अभी 8 को, तो मेहंदी लगवा देती हूँ। नहीं तो कल भी बता सकते, कल से शादी शुरू थी हमारी। अच्छा चलो इतना तो मैं आप सबको बता ही देती हूँ कि हमारी एनिवर्सरी आने वाली है, हम चाहते तो थे कि बहुत कुछ करें बट उतना कुछ नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बहुत एक दूसरे को स्पेशल फील करवाने के लिए कर रही हूँ। क्या है एक दूसरे को अपने लिए भी उससे स्पेशल फील होगा? मैं तो फील कर रही हूँ। सो आज मैं कर रही हूँ अपने घर की सेटिंग, बिकॉज जब भी कुछ ऐसा होता है ना मम्मी पूछे ना ये सामान का है वो सामान का है, मैं खुद सोचने लग जाती हूँ कहाँ पे वो सामान, मुझे खुद ही याद नहीं आ रहा, तो मैंने सोचा एक बार सफाई भी कर लेती हूँ सारी और फिर ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ ताकि याद तो आए मुझे कि कौन सी चीज कहाँ पे रखी है, इसलिए मैंने सारा भी बाहर निकाला। दादी इससे पूछो ये रात को कहाँ थी, हम सो नहीं पाए पूरी रात, पूरी रात नहीं सो पाए हम। तेरा फर्ज है, मेरे को नींद आई ना तेरे भाई हम बेचैनी रही हमें पूरी रात। अच्छा हुआ, मजा हुआ। कहाँ घूम रही, कहाँ थी? साहब मैंने सबके साथ गुगली खेली, कुछ भी नहीं था, ऐसी मजे ले रही थी। हाँ हाँ मेरी मम्मी तक गई पीछे चेक करने पर जब मम्मी भी घूम रही होगी दादी बना रही है। नहीं दादी, दादी कुछ और ही समझ रहे दादी बहुत तेज। अब तो नैना एनिवर्सरी पे कुछ नहीं करना, और प्लान जो तूने किया है ना, जो तूने किया है वो बहुत है। तूने इतना महंगा ऑर्डर कर दिया है, पता नहीं क्या है मेरे लिए। एक तो ना मैं काम कर रही हूँ, तुम मेरा काम खराब कर रहे हो, चाय ले रहे हो। अरे बहुत है मम्मी, अब कुछ नहीं करना है, मैं तो कुछ नहीं करूंगा प्लान सब इसने इतना ना मैंने किया ना तुम करो बस सिंपल सी बात है। बता क्या है, इंसान है। मैंने हर तरह से कोशिश कर दी है, ऐसा भी झूठ बोल बोल के ना तुम्हारा ऑर्डर आया है जो तुमने ऑर्डर नहीं किया कल पर ये फंस नहीं रही है। आज 7 है, 8 को शिवरात्रि है, 9 को हमारी एनिवर्सरी, मतलब 1 साल हो जाएगा शादी को। कल शिव जी और पार्वती की शादी है, परसों हमारी हुई थी, बस उनके बाद हम नहीं किए। मेरा हेयर स्प्रे वाह, तुम तारीफ करोगे कि अच्छी लग रही है। नहीं मैं पहले मैंने पहले वाह ही किया, फिर मैंने देखा मेरा हेयर स्प्रे बहुत अच्छे लग रहे बाल, बहुत सुंदर। थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूं, तुम फुल पहाड़न बनी हो आज। वाह, अभी ज्वेलरी तो पहन लो तब पता चलेगा। और इसका ऊपर वाला कहाँ है? अच्छा ओके, रुको जरा बता दो कहाँ जा रहे हैं हम। जा रहे हैं शादी में,
तो किसकी शादी में जा रहे हो वही वो थोड़ी देर में हाँ पता लग जाए। आज से एक साल ऑलमोस्ट एक साल पहले हमारी यहाँ शादी हुई थी, बहुत ही अलग सी फीलिंग है यार, बहुत ही नर्वस हुई ना जब मैं वही यहाँ आके, बहुत ही अलग सा लगता है यार। और आज हम आए हैं मेरे फ्रेंड अंकुश भाई की शादी में, जिनके साथ मैंने सॉन्ग किया था, अंकुश भारद्वाज, आप जानते हो वैसे सभी लोग उनको, तो अभी चलते हैं, किस सुनाई नहीं दे रहा होगा, तो चलो चलते हैं अंदर। यहाँ से उतरते हुए अपना ही याद आ रहा है मुझे। हेलो पेन तो लेके आते, पेन नहीं ला, चलो देना नहीं, चलो हाँ लेके आते, चलो बाय बाय बोल, बाय बाय बोलने का मन नहीं करता। यहाँ से ऐसी यादें जुड़ी है ना यार, मतलब मैंने जैसे यहाँ स्टेप किया ना और म्यूजिक सुन के डेकोरेशन देख के मेरा दिल जोर जोर से धक धक करने लग गया था, क्योंकि मुझे अपनी शादी याद आने लगी, वो फ्लैशेस याद आ, मतलब मैं वही सोच रहा हूँ किसी जगह से इतना प्यार कैसे हो सकता है, बट वुडविल, हाँ वुडविल पैलेस से अलग ही प्यार है भाई, क्योंकि जो यहाँ पे भैया है अंकुश भैया, यशवंत भैया, स्पेशल मेंशन स्टार्स है जो यहाँ के, वो इतने अच्छे से आपका फंक्शन, अभी भी हमने, हमें उन्होंने शादी से पहले इतना खिला दिया, उनका इतनी ज्यादा डेडिकेशन है ना, अभी भी हम जैसे भैया से मिल गए कहते नहीं नहीं अभी हमको पूरा फंक्शन देखना है उसके बाद ही हम घर जाएंगे, मतलब वो इतने अपनेपन से काम करते हैं ना, तभी मुझे तो ये था कि अगर हम भी कुछ फंक्शन कभी और करेंगे जिंदगी में यही करेंगे, यही करूंगी और कहीं नहीं जाना, भगवान ने चाहा तो जल्द करेंगे, क्यों ये भी है, बट फिलहाल अभी हम शादी से आए और दूल्हा दुल्हन इतने क्यूट लग रहे थे ना, दोनों गुड्डा गुड्डी जैसे लग रहे थे, बहुत मजा आया यहाँ पे, और फिलहाल हम घर की ओर निकल रहे हैं क्योंकि घर पे हमारे जो दो तीन बच्चे हैं ना वो इंतजार कर रहे हैं, तो चलते हैं अब घर के लिए। यार हम अभी शादी से वापस पहुंचे और रजत को देखो ये सो भी गया है, और लड़कियों को क्या स्यापा होता है ना, मैंने ये जो मेकअप किया अब ये रिमूव करना पड़ेगा और तब तक मेरी सारी नींद भी खराब हो जाएगी, बट इसको निकाले बिना मैं सो भी नहीं सकती हूँ, तो पहले इसको निकालती हूँ और उससे पहले मैं इस व्लॉग को एंड कर देती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।